वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए आज एक साल हुए पूरे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधार के रूप में आया सामने। सोशल मीडिया दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, सोशल मीडिया ने हमारे संवाद को जन जन तक पहुंचाया, दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी बात रखने के लिए प्रदान किया मंच। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व वसूली में हुआ भारी इजाफा, पेट्रो पदार्थों को जीएसटी के तहत लाने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी। फीफा विश्व कप फुटबॉल का नॉकआउट दौरा से हो रहा है शुरू, फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से और उरुग्वे का मुकाबला होगा पुर्तगाल से। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी व्यवस्था के क्रियान्वयन को आज एक साल पूरा हो रहा है। पिछले साल की 30 जून की आधी रात से अस्तित्व में जीएसटी से एकीकृत कर प्रणाली लागू हुई है। एक देश एक कर के रूप में जीएसटी स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधार के रूप में सामने आया। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जीएसटी के लागू होने से सरकार के राजस्व में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई, परन्तु अब लोगों को टैक्स की कम राशि देनी पड़ती है। जबकि केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कालाधन खत्म करने के लिए नोटबंदी और जीएसटी के कारण जमा टैक्स राशि में काफी इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि सोशल मीडिया ने हमारे संवाद को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने दुनिया भर के लाखों लोगों को मंच प्रदान किया है जहां वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील की कि स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति और चर्चा को जारी रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 150% किए जाने की घोषणा अगले सप्ताह कर दी जाए। नई दिल्ली में करीब 140 गन्ना किसानों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल आगामी बैठक में 2018-19 खरीफ मौसम की फसलों के बारे में फैसला लेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों से 2022 तक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 10% की कमी लाने का आह्वान किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है और उन्हें हर तरह की राहत मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आवास पर करीब 140 गन्ना किसानों से मुलाकात कर उनसे तमाम मसलों पर बात की। पीएम ने इस मौके पर उनको राहत देते हुए उनके लिए बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार उनकी फसल की लागत के 150% न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने को मंजूरी देगी। सरकार का यह फैसला 2018-19 की खरीफ की नोटिफाइड फसलों के लिए होगा। सरकार के इस फैसले से उनकी आय में जोरदार इजाफा होगा। पीएम ने कहा कि अगले दो हफ्ते में 2018-19 के लिए गन्ना फसल के उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP का भी ऐलान कर दिया जाएगा। पीएम ने भरोसा दिलाया कि ये 2017-18 की कीमत से ज्यादा होगा। पीएम ने कहा कि राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि वो गन्ना मिलों से किसानों को मिलने वाले एरियर को किसानों तक जल्द मिलना सुनिश्चित करें। MSP 1.5 गुना कर देंगे, अगर वो लागू कर देते हैं हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा और किसानों को उसका बहुत फायदा होगा। एक बात जो आज सबसे महत्वपूर्ण कही माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और जितना यहाँ किसान समाज बैठा था, अगर सबसे ज्यादा वो किसी बात पर खुश हुआ तो हुआ कि लागत का 1.5 गुना बहुत। पीएम से मिलने वाले ये किसान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक के थे। उन्होंने इस फैसले पर खुशी जताई है। मैं धन्यवाद माननीय मोदी जी को दूंगा कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से हम जैसे गरीब किसानों को बुला के जो लाड़ प्यार दिया है वो हम उसके आभारी हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे बढ़िया निर्णय लिया कि चीनी इम्पोर्ट नहीं करने दें। अगर चीनी के ऊपर 100% टैक्स लगा दिया जाएगा तो बाहर से चीनी अंदर नहीं आएगी, इसका मतलब हमारी चीनी को दाम मिलेगा। चीनी का रेट 29 रुपीज को फिक्स कर दिया है, उससे नीचे नहीं गिरेगा चीनी का रेट, फिर किसान को हमको गन्ने के रेट शुगर फैक्ट्री से अच्छा मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिला है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया था। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों और चीनी मिलों के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने इस सेक्टर के लिए अब तक जिन कदमों का ऐलान किया है उनकी बात करें
तो सरकार ने चीनी के 30 लाख टन बफर स्टॉक को मंजूरी दी है। बफर स्टॉक चीनी मिलें अपने पास रखेंगी और सरकार इसके बदले उन्हें 1175 करोड़ रुपए देगी। चीनी के लिए 29 रुपए प्रति किलो के न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चीनी मिलों की एथेनॉल उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने और एथेनॉल की खरीद के लिए 4500 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा लोन पर पहले साल का ब्याज सरकार वहन करेगी, जिसके लिए 1332 करोड़ का इंतजाम किया गया है। गन्ना किसानों के लिए 5.5 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना के हिसाब से सहायता राशि का ऐलान कर चुकी है। इसके लिए 1540 करोड़ का पैकेज दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसान उसकी प्राथमिकता में है और बंपर फसल होने पर भी किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और सरकार उनके हितों का पूरा ध्यान रखेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जीएसटी लागू होने से लोगों का टैक्स का बोझ कम हुआ है। साथ ही उन्होंने स्विस बैंक में जमा रकम के बारे में कहा कि जल्द ही पूरी जानकारी भारत के पास आ जाएगी। बीते साल स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा जमा रकम में इजाफे पर सरकार ने कहा है कि जमा की गई रकम की सारी जानकारी बहुत जल्द ही भारत के पास होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए करार के अनुसार वित्त वर्ष के अंत में स्विट्जरलैंड सरकार भारत को सभी तथ्य मुहैया कराएगी। उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि जमा किए गए पैसे में क्या काला धन है या नहीं। भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्विट्जरलैंड के साथ जो करार किया है उसमें ये सब डेटा पहली जनवरी 2018 ऑनवर्ड्स जो उनका अकाउंटिंग ईयर है स्विट्जरलैंड का, उससे सब डेटा हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। डॉलर की तुलना में रुपए की गिरावट पर वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई जरूरत के हिसाब से कदम उठाएगी। डॉलर की तुलना में रुपए की कमजोरी की एक बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती तेल की कीमतें, जिसकी वजह से भारतीय रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के आधारभूत स्तंभ मजबूत हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हम चर्चा करके इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी नजर में रखते हुए, नीचर रिएक्शंस आर नॉट कॉल्ड फॉर, वन हैज टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन। एक अन्य कार्यक्रम में शिरकत करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी लागू होने से लोगों को कम टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि सरकार की आमदनी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने का एक साल का उत्सव मनाएगी। गौरतलब है कि बीते साल 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से देश में कर सुधार के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस के पास बहस के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, लिहाजा वे बेतुकी और स्तरहीन मुद्दों को उठा रही है। स्विस बैंक में जमा धनराशि में बढ़ोतरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बैंकों में कारोबारी अपने व्यवसाय से जमा हुई राशि भी जमा कराते हैं। स्विस बैंक के अंदर 50% इजाफा हुआ पैसे का, 5000 करोड़ से 7000 करोड़ पैसा गया। बैंक है, बैंक के अंदर सिर्फ काला धन नहीं होता, बिजनेस आज भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बिजनेस कर रहे हैं, देश भर में दुनिया भर में बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा पैसा जो है ये एक बैंक के अंदर नियमित तौर से वहां पे जमा है, तो ये काला धन नहीं है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार की आर्थिक नीतियों से मिल रही सफलता को आंकड़ों के जरिए सामने रखा है। अरुण जेटली ने लिखा है कि सरकार की नीतियों से पिछले 4 साल में 57% इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि स्विस बैंक में भारतीयों के जमा पैसों के बारे में वहां से जानकारी मिलेगी और नाम सामने आने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों में मोदी सरकार के प्रयासों से न सिर्फ प्रत्यक्ष कर संग्रह में जबरदस्त इजाफा हुआ बल्कि कर देने वालों की संख्या में भी बड़ा उछाल आया है। 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ था, जबकि 17-18 में 10.02 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है। सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण ही कर देने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस साल नए जुड़े इनकम टैक्स देने वालों लोगों की संख्या में भी 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। राज्यपाल राम नाईक ने इलाहाबाद में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पिछले 5 जून को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रावास को खाली कराने के मामले पर हुई व्यापक तोड़फोड़ और आगजनी का मामला राष्ट्रपति तक पहुंचा था। राष्ट्रपति ने इस मामले में चिंता व्यक्त की है। राज्यपाल ने छात्रों को वाइस चांसलर की बात मानने की सलाह दी है। इस मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में कुछ लोग इस विषय में मेरे पास आए थे। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते बाद में
में उन्होंने यह मामला राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। राज्यपाल ने बताया कि उन्हें यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सलाह राष्ट्रपति ने दी थी। हालांकि पुलिस की इंक्वायरी में 11 गिरफ्तार छात्रों में से केवल एक छात्र को छोड़कर सभी को बेल मिल गई है। इस प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी मौजूद रहे। जो छात्र है वह गर्मियों के छुट्टी में भी हॉस्टल में रहते हैं और ऐसे छात्र जिन्होंने नहीं रहना चाहिए, उच्च न्यायालय का निर्णय इसके बारे में हुआ था कि उन्होंने नहीं रहना चाहिए, लेकिन छात्रों ने वो बात मानी नहीं और सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में उन्होंने अपील की थी। वो अपील भी सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की थी। फिर इस संबंध में यह निर्णय यूनिवर्सिटी ने ले लिया कि दो हॉस्टल्स लड़कों के लिए और दो हॉस्टल्स लड़कियों के लिए छुट्टी के समर हॉस्टल के रूप में बनाए जाएंगे, रखेंगे। और ये मामला हुआ है इसलिए उन्होंने एविक्शन की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में रोकी है और पुलिस इसके संबंध में इंक्वायरी कर रही है। पुलिस बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से भगवान पशुपतिनाथ की नगरी काठमांडू के बीच शुक्रवार से हवाई यात्रा की शुरुआत हो गई। यह विमान सेवा सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को शाम 4:15 पर मिलेगी। नेपाल की बुद्ध एयरबस का विमान काठमांडू से 3:30 दोपहर बनारस के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर उतरा, जिसमें नेपाल से 44 यात्री आए। दरअसल काठमांडू विमान सेवा पर्यटन के साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद ही अहम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि नेपाल से नई वायु सेवा शुरू होने से नेपाल के साथ हमारे संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी। काशी और काठमांडू के बीच यह एक नई वायु सेवा प्रारंभ हो रही है। बुद्धा एयरलाइंस की यह वायु सेवा है, यह एयरलाइंस है और उनके द्वारा यह वायु सेवा प्रारंभ हो रही है। यह वायु सेवा कई प्रकार का संदेश देती है। एक, भारत और नेपाल के संबंध हैं, यह दो शरीर लेकिन एक आत्मा को जोड़ने वाली स्थिति है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यात्राओं ने इन संबंधों को नई ऊंचाइयां दी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में जनपद के लिए संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए इनको युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर पूरा करने के निर्देश मंडलायुक्त को दिए। साथ ही उन्होंने इनकी मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। वाराणसी की सफाई व्यवस्था संतोषजनक न होने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि इसके लिए अब जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने वाराणसी में हर हालत में स्वच्छता सुनिश्चित कराए जाने पर जोर देते हुए सफाई एवं कूड़े की उठान पर शनिवार से युद्ध स्तर पर अभियान चलाए जाने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए। मुख्यमंत्री ने नगर आयुक्त को शहर की सभी स्ट्रीट लाइट को कार्यशील रखने के साथ साथ 10,000 नई स्ट्रीट लाइटों को शीघ्र लगवाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनापुर एवं रमना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य को त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडलायुक्त को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य की प्रगति की रोजाना मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाराणसी बाबतपुर मार्ग में निर्माणाधीन 4-लेन सड़क को आगामी 10 जुलाई तक पूर्ण कराया जाए। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रियों की सुविधा हेतु एयर कंडीशन्ड सिटी बस चलाए जाने हेतु कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश मंडलायुक्त को दिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने जालौन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जीएसटी के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कल 1 जुलाई को दिल्ली के अंबेडकर भवन में भारत सरकार भव्य कार्यक्रम मना रही है। साथ ही पूरे देश में इस संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं अरुण जेटली भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के व्यापारियों को और उपभोक्ताओं को जीएसटी से बहुत लाभ हुआ है और एक देश एक टैक्स के तहत सभी वस्तुओं में अब 32% के स्थान पर अधिकतम 28% ही टैक्स लिया जा रहा है। इसके साथ साथ राजस्व की बढ़ोतरी भी हुई है। उन्होंने कहा कि अब राजस्व 95,000 करोड़ रुपए प्रतिमाह आ रहा है। पेट्रो पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्दी ही भारत सरकार उस पर विचार कर रही है और जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को बुलाकर सभी की सहमति के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
जीएसटी के पहले इस देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कानूनों को जोड़ करके 32% टैक्स मिलता था, लोगों को देना पड़ता था। आज मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स जो है वो 28% का है, वो भी केवल 50 वस्तुओं पर। इस तरह की जीएसटी में जो भी फैसले होते हैं सर्वसम्मत से होते हैं और जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री हम लोगों के साथ बैठते हैं। हम अगली बैठक में फिर इसको लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सहमति बनाने के बाद कर सकते हैं। प्रदेश के नव नियुक्त मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। मुख्य सचिव ने पदभार ग्रहण करने के बाद डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि उन्हें सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। अनूप चंद्र पांडे ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सीएम पोर्टल पर लगातार सुझाव और शिकायतें आती हैं, जिसका निस्तारण तय समय में करने की व्यवस्था है। लेकिन हमारी प्राथमिकता सिर्फ निस्तारण नहीं बल्कि जवाब सही जाए और जनता उससे संतुष्ट हो। उन्होंने कहा कि यूपी में हमारे पास ब्यूरोक्रेसी की अच्छी टीम है, नए उद्योग और रोजगार बढ़ाने के विषय में विशेष प्रयास करेंगे, किसानों की आय बढ़े, उन्हें फसल का उचित मूल्य मिले, इस दिशा में काम किया जाएगा। सरकार की जो नीतियां हैं वो संकल्प पत्र में जो आश्वासन है उन सभी को किस प्रकार से समाज के सबसे नीचे तबके के लोग तक पहुंचाना और समयबद्ध तरीके से और क्वालिटी के माध्यम से, ये एक प्राथमिकता होगी। मेरी टीम बहुत अच्छी टीम है, उस टीम को टीम वर्क लेकर वहां पर मैं प्रयास करूंगा कि इसको समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकें। निस्तारण जो है वो हमारी प्राथमिकता नहीं है, हमारी प्राथमिकता संतुष्टि लेवल है कि वो इंडेक्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो केवल ये कि आपने 15 दिन के अंदर उसे रिजेक्ट करके भेज दिया तो वो लाभ नहीं है। वो व्यक्ति जिसने शिकायत की क्या वो संतुष्ट है कि आपने उसकी शिकायत का समाधान किया, इसके संबंध में हम एक सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम के माध्यम से इन्हें सॉल्व करेंगे। जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का निस्तारण हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में देश के सभी राज्यों से ज्यादा कमी आई है। यूनिसेफ ने भी उत्तर प्रदेश की तारीफ की है। यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि ने मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के मुताबिक भारत ने मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। साल 2013 से इस तरह की मौतों में 22% कमी दर्ज की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 30% कमी आई है। मातृ मृत्यु दर प्रति 1,00,000 बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मौत संख्या होती है। एमएमआर 2011-13 के 167 से घटकर 2014-16 में 130 हो गई है। भारत ने मातृ मृत्यु दर कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। गर्भधारण संबंधी समस्याओं को लेकर अब भारत ने 2013 की तुलना में करीब 1,000 कम महिलाओं की मौत हो रही है। यूपी के पहले नंबर पर रहने पर मिली सराहना, उन्होंने मातृ मृत्यु दर में कमी लाकर शीर्ष स्थान पर रहने को लेकर उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि अब यह देखना काफी सुखद है कि उत्तर प्रदेश में एमएमआर में करीब 30% कमी आई है, जबकि इस राज्य में घरों में सर्वाधिक प्रसव कराया जाता है। खराब मौसम के कारण रोकी गई अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से बालटाल और पहलगाम रूट पर अमरनाथ यात्रा रोकी गई थी, लेकिन अब मौसम में सुधार देखने को मिल रहा है। आज राज्यपाल एनएन बोरा ने जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ और उसकी वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा समेत इससे जुड़ी तमाम प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई। प्रदेश भर में 15 जून से शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पखवाड़े के अवसर पर लोगों ने न सिर्फ योग के प्रति जागरूक किया गया बल्कि योग को जीवन में व्यवहारिक रूप से शामिल करने के लिए भी तरह तरह के आयोजन किए गए, जिससे बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्गों को योग के प्रति आकर्षित किया जा सके। इस दौरान बच्चों को जागरूक करने के लिए जगह जगह फिल्मी गानों की धुन पर योग कराया गया, जिससे बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पिछले दिनों 21 जून को प्रदेश भर में आयोजित योग कार्यक्रमों में सहारनपुर मंडल प्रथम स्थान पर रहा है। योग दिवस के अवसर पर चल रहे युवक पखवाड़े के आखिरी दिन आज लखनऊ में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त सहारनपुर और जिलाधिकारी सहारनपुर सहित राज्य सरकार और कई निजी संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने स्पीच योग को लेकर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तारीख को जो आयुष मंत्रालय ने एक योग पखवाड़ा शुरू किया था,
उस योग पखवाड़े का आज समापन समारोह है। मुझे खुशी है कि आयुष मंत्रालय के माननीय मंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने योग उत्तर प्रदेश में योग का प्रचार प्रसार बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से किया है। लोगों ने जो स्वेच्छा से सहभागिता की है, मुझे खुशी है कि सहारनपुर मंडल आज उत्तर प्रदेश में योग के इस पखवाड़े में सबसे अधिक लोगों की सहभागिता कराने में सफल हुआ है। फुटबॉल विश्व कप के दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज उरुग्वे का सामना पुर्तगाल से होगा। एक तरफ जहां दो बार के चैंपियन उरुग्वे लुइस सुआरेस और कवानी से बेहतरीन खेल की उम्मीद रखती है, तो वहीं पुर्तगाल को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने का दारोमदार क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर होगा। अंतिम 16 की लड़ाई का बिगुल बजने को है। फुटबॉल के धाकड़ देश एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने को हैं। इस कड़ी में पुर्तगाल और उरुग्वे के बीच की जंग का मैदान क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लुइस सुआरेस के रूप में सज चुका है। जहां फुटबॉल के ये दो दिग्गज देश इन दोनों खिलाड़ियों पर सवार हो क्वार्टर फाइनल का रास्ता तय करने के लिए मचल रहे हैं। उरुग्वे की बात करें तो टीम का इस विश्व कप में अभी तक अभियान अजय रहा है। टीम ने ग्रुप ए में टॉप पोजीशन हासिल की। ग्रुप दौर के मुकाबले में टीम ने मिस्र और सऊदी अरब को 1-0 से तो वहीं रूस को 3-0 से हराया। इस टीम का डिफेंस काफी मजबूत दिखता है, साथ ही लुइस सुआरेस और एडिनसन कावानी का साथ इस टीम की सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने है। हालांकि टीम ग्रुप में जरूर टॉप पर रही, लेकिन मिस्र और सऊदी अरब के खिलाफ मुकाबले में टीम का असली खेल नहीं दिखा। दोनों के खिलाफ टीम केवल 1-0 के अंतर से ही जीत हासिल कर पाई। हाँ, रूस के खिलाफ टीम के खेल ने जरूर प्रभावित किया। पुर्तगाल टीम की बात करें तो ये टीम भी पूरी तरह से एक खिलाड़ी यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर निर्भर दिखती है। अपनी टीम के लिए इस विश्व कप में रोनाल्डो अब तक 4 गोल दाग चुके हैं, जिसमें स्पेन के खिलाफ हैट्रिक भी शामिल है। हालांकि ईरान के खिलाफ टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी और टीम मुकाबले को ड्रॉ पर रोक खुद को अंतिम 16 तक पहुंचाने में कामयाब रही। वैसे तो ये मुकाबला लुइस सुआरेस वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो की चमक के रूप में सामने होगा, लेकिन इन दो दिग्गजों के अलावा उरुग्वे के एडिनसन कावानी और पुर्तगाल के पेपे के बीच भी भिड़ंत इस अंतिम 16 के मुकाबले का रोमांच बढ़ाएगी। कावानी निश्चित रूप से पुर्तगाल की बैकलाइन के लिए घातक साबित हो सकते हैं। वहीं मिडफील्ड में उरुग्वे के मैटियान वेसिनो और पुर्तगाल के विलियम कारवाल्हो अपनी अपनी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी डिफेंस को अटैक में बदलने में माहिर हैं और इन दोनों का ही गेंद पर नियंत्रण गजब का है। ये तीसरी बार है जब पुर्तगाल और उरुग्वे एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर होंगे। दो बार हुए मैच में पुर्तगाल ने एक बार बाजी मारी है, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। लेकिन विश्व कप में ये दोनों पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो नजर आएगा। इस सप्ताह मौसम का मिजाज बदला सा नजर आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज का अधिकतम तापमान 36.5, कानपुर का 36.8, इलाहाबाद का 39.7, गोरखपुर का 36.2 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी का 36.5, आगरा 36.1, बरेली का 37 और झांसी का 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए आज एक साल हुए पूरे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधार के रूप में आया सामने। सोशल मीडिया दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, सोशल मीडिया ने हमारे संवाद को जन जन तक पहुंचाया, दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी बात रखने के लिए प्रदान किया मंच।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व वसूली में हुआ भारी इजाफा, पेट्रो पदार्थों को जीएसटी के तहत लाने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी। फीफा विश्व कप फुटबॉल का नॉकआउट दौरा से हो रहा है शुरू, फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से और उरुग्वे का मुकाबला होगा पुर्तगाल से। इसके साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।